बिहार बीजेपी से किसकी लगेगी लॉटरी, कौन जाएगा राज्यसभा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बता दें कि राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है, इसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्म है कि बीजेपी के कोटे से आखिर राज्यसभा कौन जाने वाला है। और इसको लेकर जहां एक तरफ आरके सिन्हा की बात चल रही थी, वहीं बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा था, उनकी भी चर्चा सियासी गलियारों में तेज थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार बीजेपी कोटे से राज्यसभा कौन जाएगा, बिहार से बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी। हालांकि इस नाम का खुलासा एक दो दिन में हो जाना है, पर जातीय तुष्टिकरण की राह पर यह माना जा रहा है कि इस बार अगड़ी या पिछड़ी जाति से उस जाति को जाएगा जो इधर अपनी भागीदारी से एक हद तक वंचित रहा। बीजेपी संगठन के अंदर इस बात की चर्चा उफान मार रही है कि जातीय समीकरण को ठीक करने के लिए खुद को सत्ता की भागीदारी में वंचित बताने वाले समाज से ही कैंडिडेट चुने जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक में 17 में से शामिल 12 सदस्यों ने लगभग हर जाति के नामवर नेताओं पर चर्चा की और चर्चा के बाद सभी जाति से एक या दो नाम की सूची बनाकर चुनाव समिति की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सौंप दी। इस पर अंतिम निर्णय के लिए डॉक्टर जायसवाल और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया को अधिकृत कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संवर्ण में इस बार कायस्थ और राजपूत जाति से जिन एक नाम की चर्चा है वो नाम ऋतुराज सिन्हा और आर के सिंह का है। वहीं पिछड़ी जाति से जिस एक नाम की चर्चा है वो कुर्मी जाति से प्रेम पटेल का नाम है। बता दें कि 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। बता दें कि 1 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। वहीं 22 अगस्त को स्क्रूटिंग होगी, अगर जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को होने वाले चुनाव और शाम 5 बजे परिणाम घोषित भी हो जाएंगे। राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर अब बीजेपी में से किसकी लॉटरी लगने वाली है, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।